बिग बॉस सीजन 17 में हुआ ये बड़ा नॉमिनेशन नील भट्ट को लगा बड़ा झटका। ये चार लोगों में आखिर कौन है टॉप पर और किसकी होगी घर से विदाई? नॉमिनेशन की ओपनिंग ट्रेंड में ये कंटेस्टेंट हैं टॉप पर, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का जो भी ड्रामा है वो अब ख़त्म होते हुए नजर आ रहा है। नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा, अंकिता लोखंडे, अनुराग डोभाल, इस बार का नॉमिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बड़े बड़े कंटेस्टेंट, बड़े बड़े नाम नॉमिनेट हो गए हैं। लेकिन इस लिस्ट में कौन है, ओपनिंग ट्रेंड की लिस्ट आ चुकी है कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है, कौन है नंबर वन की पोजीशन पर और किसका पत्ता साफ होने वाला है। जाहिर सी बात है नंबर वन का पोजीशन जो है वो अनुराग से कोई नहीं छीन सकता है। बाबू भैया टॉप पर हैं और बाबू भैया को सबसे ज़्यादा वोट दिया जा रहा है। देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, बाबू भैया यूँ भी सेफ हैं क्योंकि अनुराग को जब भी वोटिंग हुई है अनुराग हमेशा टॉप पर रहे हैं। अनुराग और मुनव्वर फारूकी के पास बड़ा फैन बेस है, बड़ा फैन सपोर्ट है। लेकिन इसके अलावा तीन कंटेस्टेंट हैं जो कि टीवी के हैं, एक्टर्स हैं, उनकी बजने वाली हैं चिताएं और उनमें से कोई होने वाला है बाहर। और इसमें दूसरे पोजीशन पर है अंकिता लोखंडे। अंकिता को भी भरपूर प्यार मिल रहा है जनता से, जिस तरीके से ऐश्वर्या शर्मा उनके साथ नेगेटिव बिहेव कर रही हैं तो प्यार तो मिलना ही है। अंकिता कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिव गेम के साथ आगे बढ़ रही है तो अंकिता को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है दूसरे पोजीशन पर। और तीसरे पोजीशन पर है ऐश्वर्या शर्मा। अब यहाँ पर तो ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट दोनों के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ तीसरे और चौथे पोजीशन पर हैं, जहां पर सबकी डॉली बिंद्रा 2.2 बनी हुई है। ऐश्वर्या शर्मा वो थर्ड पोजीशन पर हैं, तो फोर्थ पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन है नील भट्ट का। बिग बॉस इज माय गॉड, लेकिन वो गॉड कहां है? क्या बिग बॉस इस बार तुम्हारे भगवान बनेंगे? ये बात नील से लोग पूछ रहे हैं। नील भट्ट ने कहा था कि बिग बॉस मेरे भगवान है और सभी कंटेस्टेंट के भगवान हैं, लेकिन भगवान ने उनको नॉमिनेट कर दिया है और वो भी इस नॉमिनेशन में नहीं, पूरे सीजन के लिए। तो क्या नील भट्ट इस बार बच पाएंगे? नील और ऐश्वर्या को यूं भी जनता उतना पसंद नहीं कर रही है क्योंकि नील और ऐश्वर्या का जो गेम है वो बहुत नेगेटिव लग रहा है और खास करके ऐश्वर्या ने जो अंकिता से पंगा लिया है यहां पर भी नील और ऐश्वर्या को बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन ऐश्वर्या शर्मा के पहले नील भट्ट को लग चुका है बड़ा झटका। ओपनिंग ट्रेंड में सबसे आखिरी पोजिशन पर है, बहुत ही कम वोट मिल रहा है नील भट्ट को। तो आप शॉक मत होना अगर नील भट्ट आने वाले दिनों में घर से इवेक्ट भी हो जाए तो। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन इस ओपनिंग ट्रेंड पर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।